प्रिय छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम विक्रय संवर्धन के बारे में जान रहे थे। आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे विज्ञापन के बारे में। तो विक्रय प्रवर्तन क्या है, हमने ये पूर्व में जाना। विक्रय प्रवर्तन के माध्यम से जो है हम एक वस्तु के विक्रय को बढ़ाने के लिए जो समस्त प्रकार के कार्य किए जाते हैं वो विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो विक्रय प्रवर्तन जो है विक्रय कार्य की दिशा में एक क्या है, संगठित प्रयास है जिसका उद्देश्य विज्ञापन में सर्वाधिक प्रभावशीलता प्राप्त करना है और विक्रयकर्ताओं को सहायता प्रदान करना है। तो विक्रय प्रवर्तन जो है एक ऐसा सामूहिक संगठित प्रयास है जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार के द्वारा हम जो है हम संपूर्ण रूप से प्रभाव को प्राप्त करते हैं और विक्रयकर्ताओं को माल बेचने के लिए उसको सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार से विक्रय प्रवर्तन के माध्यम से वस्तुओं व सेवाओं के प्रति जो है ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है और उन्हें माल को खरीदने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए उन्हें उत्तेजित किया जाता है, उन्हें आकर्षित किया जाता है। तो विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु यहाँ पर विज्ञापन है, इसके बारे में हम विशेष तौर पर यहाँ देखेंगे। विज्ञापन क्या है? एक वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए जो लिखित या मौखिक या चित्रित रूप से जो हम उस वस्तु के बारे में, उस माल के बारे में जो है जानकारी ग्राहकों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, वो विज्ञापन या प्रचार प्रसार के अंतर्गत आता है। तो डॉक्टर बर्डन ने कहा है कि विज्ञापन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिससे दृश्यमान या मौखिक या लिखित संदेश जो है जनता को सूचना देने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है। तो बर्डन ने कहा है कि विज्ञापन में वे समस्त प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं जो चित्रों के माध्यम से मौखिक तौर पर या लिखित संदेश के रूप में हम जनता को सूचना प्रदान करते हैं और जनता जो है उस सूचना के माध्यम से वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होती है, आकर्षित होती है, वो विज्ञापन कहलाता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन जो है वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के लिए अपनाया गया क्या है, एक साधन है जिसके माध्यम से लोग उसके बारे में जानकारी ही प्राप्त नहीं करते बल्कि शिक्षित भी होते हैं। तो विज्ञापन जो है मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए अपनाया जाने वाला क्या है, एक साधन है। विज्ञापन के माध्यम से उनको जहाँ एक और जानकारी प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर वो वस्तु के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी से शिक्षित भी होते हैं। तो ये कहलाता है विज्ञापन। अब हम देखते हैं विज्ञापन के महत्व क्या है या इसके उद्देश्य क्या है। तो नंबर एक है जैसे जानकारी प्रदान करना। विज्ञापन के माध्यम से नए नए उत्पादों व सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और जो ग्राहक हैं वो वस्तु और सेवाओं को क्रय करने हेतु क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। फिर दूसरा जो है मांग व बिक्री को बढ़ाना। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की नई मांग को क्या है, प्रेरित करना। यहाँ पर जो है उत्पादक के द्वारा जो नई वस्तुएं बाजार में लॉन्च की गई, लेकर आई गई, उन वस्तुओं की डिमांड को बढ़ाना। तो यहाँ जो इसका उद्देश्य है वस्तु व सेवाओं की नई मांग को प्रेरित करना। फिर उत्पादन लागत में कमी। विज्ञापन के द्वारा जो है यहाँ पर विक्रय में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब लोगों को वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती तो वो वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं और उसको परचेज करते हैं। तो यहाँ पर जब अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं तो इससे क्या होती है, बिक्री बढ़ती है और जब बिक्री बढ़ती है तो उत्पादन की जो बड़े पैमाने पर उत्पादन की हमें आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो जब लार्ज स्केल पर अधिक उत्पादन होता है तो लागत में क्या आती है, कमी आती है। तो यहाँ जब लार्ज स्केल पर हम उत्पादन करते हैं तो लागत में कमी आती है और जब लागत में कमी आती है तो वस्तु की कीमत में भी क्या होती है, कमी होती है। फिर वस्तुओं की उपयोगिता की जानकारी। विज्ञापन के माध्यम से जो है वस्तु के मूल्य एवं उपयोगिता के बारे में विस्तार से हमें जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात वस्तु का मूल्य क्या है, वस्तु की उपयोगिता किस प्रकार की है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाना है, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी जो है हमें विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त होती है। फिर ग्राहकों का विश्वास। लगातार किसी वस्तु को जब हम विज्ञापन करते हैं तो उससे जो है लगातार विज्ञापन होने से वस्तु के प्रति लोगों की जो है विश्वास क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पादनकर्ता व उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है, जो वस्तु की अधिकतम बिक्री को क्या है, बढ़ाता है और ग्राहकों को प्रेरित करके
विक्रयकर्ता तक पहुंचाता है। फिर प्रचार प्रसार व शिक्षित करने का माध्यम, विज्ञापन जो है मुख्य रूप से प्रचार प्रसार करने का साधन है यहाँ पर। अब इसमें ये प्रचार प्रसार के जो विभिन्न साधन है, जैसे विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ हो गई, टेलीविजन, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, इनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है व वस्तु के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करके होते हैं शिक्षित होते हैं। तो प्रचार प्रसार और शिक्षित करने का माध्यम है ये विज्ञापन एक प्रकार से। अब यहाँ हम देखते हैं कि विज्ञापन एवं विक्रय प्रवर्तन में अंतर क्या है। अब यहाँ पर ये विज्ञापन, ये विज्ञापन प्रवर्तन, विक्रय प्रवर्तन, तो इसका उद्देश्य जो विज्ञापन का है ये क्या है, सामूहिक रूप से वस्तु के क्रय को प्रोत्साहित कर व्यक्तिगत विक्रय को आसान बनाना है। वहीं विक्रय प्रवर्तन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के बीच की दूरी को कम करने वाले पुल की भांति कार्य करना है विक्रय प्रवर्तन का। फिर संबंध की बात करें तो विज्ञापन में जो है ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, जबकि विक्रय प्रवर्तन में जो है ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। फिर तीसरा आवश्यकता, आधुनिक समय में विज्ञापन जो है वो अति आवश्यक है, बगैर विज्ञापन के वस्तु के बारे में जानकारी जो है उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाती, अतः विज्ञापन जो है बहुत ही अति आवश्यक यहाँ पर बिंदु है। फिर वहीं विक्रय प्रवर्तन जो है वो बहुत आवश्यक नहीं है, अर्थात वस्तु का हमने उत्पादन कर दिया और उपभोक्ता तक पहुंचा दिया, तो किन्हीं न किन्हीं प्रकार से जो है उपभोक्ता उन वस्तुओं का उपभोग यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर जो है विक्रय प्रवर्तन की यहाँ बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती। फिर दिशा, विज्ञापन की दिशा जो होती है वो ग्राहकों की ओर होती है, और इसका क्षेत्र जो यहाँ पर जो है इसकी दिशा किसकी ओर होती है, ग्राहक की ओर, जबकि विक्रय प्रवर्तन की जो दिशा है वो क्या है, उत्पाद की ओर होती है। विज्ञापन की जो दिशा है वो किससे जुड़ी हुई है, ग्राहकों से, कि ग्राहकों तक विज्ञापन पहुंचे, जानकारी पहुंचे और जिससे वो वस्तुओं को खरीदे। विक्रय प्रवर्तन की दिशा जो है वो क्या है, उत्पाद की ओर होती है, अर्थात उत्पादन को हम कैसे अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाएं। फिर क्षेत्र की बात करें यहाँ पर हम, तो इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत विज्ञापन लार्ज स्केल पर होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि विक्रय प्रवर्तन का क्षेत्र क्या है, सीमित है। फिर प्रकृति अंतिम, ये संस्था के दैनिक कार्यों का एक अंग है, विज्ञापन जो है रूटीन में जानकारी के तौर पर जो है हर उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो ये क्या है, रूटीन वर्क है, एक संस्था के उत्पादनों की से जुड़ी हुई जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो कार्य है वो रूटीन वर्क से जुड़ा है। तो विज्ञापन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये एक दैनिक कार्य के समान, जबकि ये दैनिक कार्य का अंग ना होकर विशेष परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले प्रयास है, किसी विशेष समय जब हमें बिक्री को बढ़ाना है तब उस समय जो प्रयास किए जाते हैं वो विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत किए जाते हैं। तो ये विज्ञापन और विक्रय प्रवर्तन में मुख्य अंतर है। फिर विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से, इनको हम देखेंगे। नंबर एक, पत्र पत्रिकाओं द्वारा विज्ञापन, देश में प्रकाशित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने से आम जन तक जो है शीघ्रता से कम व्यय पर जानकारी पहुंच जाती है, ये माध्यम जो है बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ पर जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का सर्कुलेशन, अर्थात उनकी प्रकाशित प्रतियों की संख्या जितनी अधिक होगी प्रचार प्रसार उतना ही अधिक होगा, तो ये सर्कुलेशन जो है जितना अधिक उस पत्र पत्रिका का सर्कुलेशन होता है, उसकी प्रकाशित प्रतियों की संख्या जितनी अधिक होती है प्रचार प्रसार उतना ही अधिक होता है। इसके जो लाभ है, प्रकाशित विज्ञापन के लाभ, नंबर एक, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर असंख्य लोगों द्वारा आसानी से उत्पाद की जानकारी दी जा सकती है। तो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, उनमें यदि विज्ञापन यहाँ पर दिया जाता है तो वो विज्ञापन जो है बहुत सारे लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है। फिर अन्य माध्यमों की तुलना में विज्ञापन की लागत यहाँ क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये सामान्य तौर पर प्रिंटेड रहता है, तो इसकी लागत जो होती है क्या होती है, कम होती है। फिर विज्ञापनों को चित्रों के साथ या अदल बदल कर दिया जा सकता है, अर्थात विज्ञापनों में हम बीच बीच में परिवर्तन कर सकते हैं, लोचशीलता जो है विज्ञापन में क्या होती है, लोचशीलता इसमें होती है।
संवेदनशीलता होती है विज्ञापन में, तो विज्ञापनों को चित्रों के द्वारा जो है हम दे सकते हैं और अदल बदल कर भी दे सकते हैं। आज ये विज्ञापन दिया, कल उसमें मैटर में थोड़ा चेंज किया तो दूसरा दिया, इस प्रकार से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फिर विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई आधार पर निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं में उत्पाद की जानकारी प्रकाशित करके शीघ्रता से उस क्षेत्र में उसे प्रचारित किया जाता है। फिर अंतिम जो वर्गीकृत कालम में विज्ञापन, वर्गीकृत कालम में विज्ञापन से तात्पर्य यहाँ पर छोटे छोटे विज्ञापन जो निर्धारित है सेंटीमीटर से बटे होते हैं, उसने भाग में विज्ञापन दिया जाता है जिसे अधिक लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है प्रकाशित विज्ञापन के लाभ और पत्र पत्रिकाओं द्वारा जो विज्ञापन होता उससे संबंधित। फिर बाह्य विज्ञापन दूसरा प्रकार जो है वो विज्ञापन के माध्यम में बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन हम देखते हैं जैसे रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड में बड़े बड़े या सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग या बोर्ड जो लगे रहते हैं, इनके माध्यम से जो है प्रचार प्रसार किया जाता है वो बाह्य विज्ञापन के अंतर्गत आता है। इसमें विभिन्न पब्लिक प्लेस पर विज्ञापन बोर्ड, बिजली की सजावट से विज्ञापन, सैंडविच विज्ञापन, बस रेल विज्ञापन, स्टीकर विज्ञापन आदि के द्वारा जो है आमजन को अपने उत्पाद के बारे में बताया जाता है। ये विज्ञापन जो है लंबे समय तक के लिए प्रभावशील रहते हैं। तो बाह्य विज्ञापन वे विज्ञापन है जो कि विभिन्न पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर, बड़े बड़े होर्डिंग्स के द्वारा, बोर्डों के द्वारा जो है हम यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं, वो बाह्य विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर तीसरा जो है फिल्म एवं टेलीविजन के द्वारा विज्ञापन। ये आज के समय में एक बहुत ही सशक्त माध्यम है विज्ञापन का। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने उत्पाद के बारे में चित्रों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, कार्टून या विभिन्न सेलिब्रिटीज के माध्यम से उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ जो है वस्तुओं का प्रचार करना आसान एवं दोहराना संभव हो जाता है। अर्थात एक बार जो हमने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट तैयार कर लिया तो उसको हम कई बार जो है फिल्मों में या टेलीविजन के माध्यम से उसको हम विभिन्न चैनलों में प्रसारित कर सकते हैं। ये विज्ञापन जो होता है एक बार ही विज्ञापन तैयार किया जाता है जो लंबे समय तक चलता है। इस प्रकार के विज्ञापन में जहाँ लाभ ही हैं वहीं इसकी प्रमुख सीमाएं या हानि भी हैं। यहाँ जो है विज्ञापन को तैयार करने में क्या होता है, लंबी लागत एवं समय लगता है और जो इसका इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको मापना संभव नहीं हो पाता कि यदि 1,00,000 रुपये का विज्ञापन पर जो खर्चा किया गया यहाँ पर उससे जो है बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ये माप करना संभव नहीं होता। फिर दूसरी हानि क्या है कि यदि बार बार विज्ञापन आता है तो लोग इन्हें देखना पसंद नहीं करते, जिससे साधनों का बड़ी मात्रा में अपव्यय होता है। हम लोग यदि टीवी पर किसी प्रकार का विज्ञापन बार बार रिपीट करते हैं तो ऐसी स्थिति में बड़ी कोप्त होती है और हम उन्हें देखना पसंद नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है साधनों का अपव्यय होता है। तो फिल्म या टेलीविजन का माध्यम, फिर रेडियो या विभिन्न श्रव्य माध्यम, रेडियो एवं अन्य श्रव्य माध्यम जैसे FM मोबाइल, FM हो गया, मोबाइल फोन आदि द्वारा जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करने की प्रमुख साधन है। इसमें विज्ञापन संदेश जो है तुरंत प्रकाशित प्रसारित करना संभव होता है। यहाँ पर जो है सभ्य साधनों के माध्यम से जो विज्ञापन प्रचारित प्रसारित किया जाता है उसका जीवन काल क्या होता है, कम होता है और इसका प्रभाव भी जो होता है अल्पकालिक होता है, क्योंकि जो हमने अभी सुना थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, हम भूल जाते हैं। तो इसका प्रभाव जो है अल्पकालिक होता है और इसका जीवन काल भी छोटा होता है। तो यहाँ पर फिल्म और टेलीविजन माध्यम और रेडियो व विभिन्न श्रव्य माध्यम। इसके बाद फिर डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। इसमें क्या है, विज्ञापन माध्यम में ग्राहकों से डाक द्वारा सीधे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसमें ग्राहकों के जानकारी से जुड़े व्यक्तिगत पत्र, पुस्तिकाएं, बुलेटिन, पत्रक, फोल्डर या कार्ड आदि डाक से सीधा भेजा जाता है। यहाँ पर जो है इन फोल्डरों के माध्यम से, व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से जो है डाक के द्वारा सीधा ग्राहक के पास जानकारी भेजी जाती है। फिर ग्राहक जो है उन प्राप्त पत्रकों पर जानकारी प्राप्त करके जो है उत्पाद को खरीदने के लिए
तैयार होता है और इसमें जो है उत्पाद को खरीदने के लिए उत्पादककर्ता के द्वारा जो विभिन्न छूटें दी गई हैं, विभिन्न रियायतों का आकर्षक ढंग से क्या होता है उल्लेख इसमें किया जाता है। तो डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन से तात्पर्य कि उपभोक्ता को सीधे डायरेक्ट उत्पादन के बारे में जानकारी को पहुंचाना। फिर मेले व प्रदर्शनियों द्वारा आमतौर पर जहां छोटे शहरों में या विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मेले या प्रदर्शनी लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी में इनके माध्यम से जो है यहाँ पर आयोजित मेले या प्रदर्शनियों में उत्पाद का प्रचार करने के लिए स्टॉल व काउंटर लगाए जाते हैं। फिर उपहार योजना ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अपने उत्पाद को याद रखने के लिए उत्पादनकर्ता के द्वारा विभिन्न गिफ्ट वगैरह दी जाती हैं, स्थायी उपहार दिए जाते हैं, जैसे बैग दे देते हैं, डायरी, कैलेंडर, बॉल पेन या चाबी के गुच्छे या अन्य सोपी आदि दिए जाते हैं जिसमें उत्पाद के बारे में और कंपनी के बारे में जानकारी प्रिंटेड होती है। तो यहाँ पर एक ग्राहक को जब विभिन्न प्रकार के उपहार दिए जाते हैं वस्तु खरीदने के लिए, तो वो वस्तु को खरीदने के लिए क्या होता है, आकर्षित होता। तो ये उपहार योजना। फिर इनामी योजना, इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादकों के नाम बताने पूछे जाते हैं, उत्पाद की जो है गुण उपभोक्ता से पूछा जाता है, इस संबंध में एक कुछ कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं। वहीं नमूने का इसमें जो है निःशुल्क वितरण किया जाता है, लॉटरी निकाली जाती है, कूपन और विशेष भेंट आदि के माध्यम से ग्राहक को यहाँ पर विज्ञापन किया जाता है। तो ये जो है प्रचार प्रसार के जो है विज्ञापन के विभिन्न साधन हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ विज्ञापन पर एक और लार्ज स्केल पर राशि खर्च की जाती है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हम महंगे महंगे जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें विज्ञापन देते हैं, तो एक बड़ा अमाउंट कंपनी का जाता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर के टेलीविजन चैनल हैं उनमें हम जब विज्ञापन देते हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक राशि का व्यय होता है। वहीं उन विज्ञापनों को तैयार कराने में या किसी सेलिब्रिटीज के माध्यम से हम विज्ञापन करते हैं तो उनको अमाउंट देना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि विज्ञापन में एक बड़ी राशि उत्पादनकर्ता को व्यय करनी होती है। तो विज्ञापन के माध्यम से जहाँ उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान कर उन्हें शिक्षित करता है, वहीं उसके माध्यम से अपनी बिक्री में वृद्धि भी करता है, जो कि उत्पादन व्यय के समकक्ष माना जाता है। तो विज्ञापन पर जो व्यय किया गया वो उत्पादन लागत में भी जुड़ता है एवं उत्पादन लागत में उसे सम्मिलित किया जाता है। चूंकि यहाँ ये माना जाता है कि विज्ञापन पर जो खर्च किया गया पैसा वो क्या है, अपव्यय है। अब यहाँ पर जिस उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी है वह अपने आप में बिक जाती है, परंतु आज इस व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा समय में इस कार्य में उसे काफी राशि खर्च करनी पड़ती है। और जब वो इस संबंध में राशि खर्च करता है तो इससे क्या है, उत्पादन लागत में विज्ञापन व्यय के जुड़ने से उत्पाद की लागत क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये बढ़ी हुई लागत का भुगतान जो है किसके सिर पर होता है, उपभोक्ता के सिर पर होता है, हम आपके ऊपर होता है। अर्थात कंपनी जो है विज्ञापन पर जो भी राशि व्यय करती है वो उत्पादन व्यय के रूप में मानी जाती है और वो उत्पादन लागत में जुड़ जाती है, और जिससे जो है विक्रय कीमत यहाँ पर उससे क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पर विज्ञापन के जो दोष हैं या हानि है, तो नंबर एक, अनावश्यक मूल्य वृद्धि। तो जैसा कि बताया कि विज्ञापन व्यय के कारण जो है वस्तु की लागत का एक अभिन्न अंग होता है, उत्पादकों द्वारा विज्ञापन पर बड़ी मात्रा में राशि व्यय की जाती है, यह जो है व्यय वस्तु के मूल्य पर पड़ता है जिसका अंतिम भार उपभोक्ता के सिर पर पड़ता है। तो ये अनावश्यक रूप से विज्ञापन के माध्यम से वस्तु के मूल्य में जो है वृद्धि होती है, क्योंकि वस्तु की लागत में जो है विज्ञापन व्यय जुड़ जाने से लागत बढ़ जाती है और इसका बढ़ा हुआ हिस्सा जो है वो उपभोक्ता को चुकाना पड़ता है। तो अनावश्यक मूल्य वृद्धि होती है इससे। फिर आवश्यकताओं में वृद्धि, अब विज्ञापन यदि किया जाता तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो है विज्ञापन के माध्यम से वस्तु को खरीदने के लिए क्या होता है, आकर्षित होता है, उसको खरीदने के लिए तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर यदि आवश्यकता नहीं भी है तो भी विज्ञापन से प्रभावित होकर अनावश्यक रूप से वस्तु को खरीदता है, जिससे घरेलू बजट जो उसका है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, और यहाँ पर पारिवारिक तनाव भी उत्पन्न होता है। तो एक प्रकार से विज्ञापन जो है यहाँ पर हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाता भी है। फिर एकाधिकार को बढ़ावा,
विज्ञापन व्यवसाय जगत में एकाधिकार की स्थिति को उत्पन्न करता है जो ब्रांड एकाधिकार को जन्म देता है। तो जो कंपनी अपनी वस्तु का जितना अधिक विज्ञापन करती है ऐसी स्थिति में वो उसका क्या ब्रांड बन जाता है और वो बाजार पर क्या कर लेता, अपना कब्जा कर लेता, एकाधिकार बना लेता है, जो कि स्वस्थ प्रतियोगिता में क्या है, बाधक है। यह नए निर्माताओं को बाजार में प्रवेश करने पर रोक लगाता है। तो ऐसी स्थिति में नए निर्माता जो है अपने नए प्रोडक्ट के साथ बाजार में प्रवेश नहीं कर पाते। फिर विज्ञापन के माध्यम से जो है निम्न किस्म की वस्तुओं का प्रचार, विज्ञापन के द्वारा जो है एक उत्पादनकर्ता जो अपने निम्न घटिया या नकली किस्म की वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है जो कि उपभोक्ता के लिए नुकसानदेह। तो यहाँ पर यदि उसकी उत्पादन की क्वालिटी खराब है, घटिया है, नकली है, तो भी वो विज्ञापन के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, उसको बेचने का प्रयास विज्ञापन के माध्यम से करता है। संसाधनों का अपव्यय, इसके बाद विज्ञापन से जो प्रचारित नई वस्तु के चलन में आने से पुरानी वस्तु का क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है, जिससे साधनों का अपव्यय होता है। रुचि, फैशन और विभिन्न टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण जो है हमारी आवश्यकताएं जो है दिनों दिन बदलती चली जा रही हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विज्ञापन भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, वो नई वस्तु को बाजार में प्रोड्यूस करता है, सामने लेकर आता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक जो है पुरानी वस्तु को छोड़कर नई वस्तु को अपनाने के लिए इंटरेस्टेड होता है, इच्छुक होता है, और जब वो नई वस्तु को खरीदता है तो पुरानी वस्तु को वो छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो है संसाधनों का अनावश्यक रूप से अपव्यय भी होता है। और अंतिम बिंदु यहाँ नैतिक पतन। अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो है कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से जो है उत्तेजक एवं अश्लील चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों का क्या है नैतिक पतन और चारित्रिक पतन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर विज्ञापन से जहाँ एक और फायदे भी हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन के दोष भी हैं और ये एक प्रकार से अपव्यय भी माना जाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत विज्ञापन से क्या आशय है, समझाइए। विज्ञापन के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए और विज्ञापन एवं विक्रय प्रवर्तन में अंतर लिखिए। विज्ञापन के प्रमुख साधन और जो उनके माध्यम है उनको समझाइए। फिर क्या विज्ञापन एक अपव्यय है, स्पष्ट कीजिए, व विज्ञापन के हानि व दोषों का वर्णन कीजिए।